भदोही में आशा संगनियों की ट्रेनिंग में खराब खाने के पैकेट मिलने से आशा संगनियों ने जमकर हंगामा कर खाने के पैकेट फेंक दिए हैं। मामला गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। मामले में ट्रेनिंग देने वाले स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध पूरी रिपोर्ट सीएमओ को देने की बात कही है। गोपीगंज स्वास्थ्य केंद्र में आशा संगनियों की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान उस समय लोगों में आक्रोश शुरू हो गया जब खाने की क्वालिटी घटिया होने की बात कही जाने लगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदार ने बेहद घटिया क्वालिटी का खाना आशा संगनियों को दिया। उनके मुताबिक ऐसा खाना उन्हें दिया गया जो महक चुके थे। अगर यह खाना आशा संगनी खाती तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी, इसलिए आशा संगनियों ने खाने के पैकेटों को फेंक दिया और हंगामा शुरू कर दिया। बाद में इसकी शिकायत अफसरों से की और अधिकारियों ने ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीएमओ से रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया, तब जाकर के मामला कहीं शांत हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खाना बहुत ही खराब क्वालिटी का है और लड्डू पूरी तरह से खराब हो चुका है। इस मामले में पूरी जानकारी सीएमओ को दी जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लड्डू खराब था, हमने कह दिया है कि वो ठेकेदार जो थे उनसे मैंने कहा है तो करती सही कराइए, अगर आप सही नहीं कराते तो भाई बंद कर दो, खाना बंद करने की क्या मतलब है भाई। सर, अगर इस तरह के लड्डू अगर ये आशा खा लेती, अगर इनको कोई दिक्कतें आ जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार तो होते हैं सभी लोग, होते हैं हमारे सिस्टम, ये जिले से ही टीका हुआ है, जो ठेकेदार हमारे हैं वो जिले से है। इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लेते हैं? नहीं, हम तो नहीं, जिले को हम इन्फॉर्म जरूर करते हैं। जिले में किसको इन्फॉर्म करेंगे? सीएमओ साहब को करते हैं। क्या मिला आपका क्वेश्चन अभी? नहीं, अधीक्षक साहब को मैंने बता दिया, अधीक्षक साहब ने अभी मीटिंग हो रही है, उन्होंने वहाँ शेयर कर दिया, अधीक्षक साहब ने शेयर कर दिया।